आईएमए का वार्षिक अधिवेशन एक दिवसीय धनबाद क्लब में आज आयोजन किया गया था, जहां पे झारखंड से अलग अलग क्षेत्रों से विशेषज्ञ चिकित्सक आए हुए थे और अपनी जानकारियां साझा किए थे। अभी हमारे पास मौजूद हैं आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष, हम उनसे जानते हैं कि आज के कार्यशाला में क्या कुछ विषय पर वार्ता हुई और किस प्रकार की चर्चाएँ हुई। सर आज मैं थोड़ा सा इसमें आपका करेक्शन करना चाहूँगा। आईएमए का एक विंग है, बहुत इम्पोर्टेंट विंग है, मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर का। अंत ये सब हम लोग इसलिए करते हैं कि अंततः ये मरीजों के इलाज में सुविधा हो डॉक्टरों को, और नया टेक्निक से कैसे इलाज किया जाए इसकी जानकारी दी जाती है, आपस में हम लोग शेयर करते हैं, सब लोग अपना अनुभव साझा करते हैं, अनुभव साझा करते हैं, अनुभव है सब लोग जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जानते हैं उसके बारे में साझा करते हैं। और आज के दिन तो हमारे धनबाद के सब चिकित्सक थे ही, बाहर के पूरे स्टेट के भी थे और स्टेट के अलावा बाहर से भी आए थे। जैसे कुल कितने आए थे सर? टोटल डेलीगेट तो लगभग 200-250 के बीच में थे, जिसमें हमारे फरीदाबाद से भी आए थे, आपका दुर्गापुर के भी चिकित्सक थे, कलकत्ता से भी थे। तो ये लोग अपना अपना सब ये दिए। इसमें हमारे आईएमए एएमएस के नेशनल चेयरमैन डॉक्टर पंकज मुतरजा जो हरियाणा के हैं वो भी हैं, आए हुए हैं, और ये हम लोग का ये सम्मेलन कम्प्लीट हुआ। इसके अलावा हम लोग का एक और इसी के बीच में हम लोगों ने एक स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग किया। स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी में जितने जिला के अध्यक्ष हैं हमारे 26, हमारा ब्रांच है झारखंड में, जिला अध्यक्ष, जिला सचिव और कार्यकारी समिति के सदस्यों ने एक बैठक की, और हम लोग की जो सरकार से डिमांड है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जो बहुत दिन से है और दुर्भाग्यवश हर बार एश्योरेंस मिलता है, यहाँ तक कि कैबिनेट से पास किया हुआ है, सब कुछ विधानसभा के पटल पर रखा गया, लेकिन कुछ मेंबर विधानसभा के उनको आपत्ति करने के चलते उसे प्रवर समिति में भेज दिया गया। प्रवर समिति में ऑर्डर हुआ स्पीकर तरफ से कि एक महीना के अंदर आप मंतव्य दीजिए, लेकिन आज लगभग 8-9 महीना हो रहा है, कोई मंतव्य नहीं आया, जिस पर हम लोग को बहुत आक्रोश है और हम लोग सरकार से बात कर रहे हैं, उनको बोल भी रहे हैं कि इस पर जल्द से जल्द निर्णय लें, ताकि हम लोग आगे की कहीं कार्रवाई नहीं करें, जिससे अंततः मरीज को ही दिक्कत होती है। अपनी बातों को पहुंचाने के लिए और किस प्रकार के कवायद की जाएगी सर आपने? हम लोग बातों को पहुंचाने के लिए हर जिला स्तर पर हम लोग बैठक करने जा रहे हैं, और वहाँ के मतलब हर जिला के ही लोग अपना हमारे चिकित्सक हैं, वो अपना ये निर्णय एक साझा करेंगे और उस पर हम लोग निर्णय लेंगे आगे के। जी आज सर जो एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, कितना बेहतर हुआ धनबाद के लिए और धनबाद के डॉक्टरों के लिए, कितना अच्छा मानते हैं इसको और क्या कुछ नया कुछ सीखने को मिला? बहुत सारे थे, जैसे आपका हार्ट के इलाज के लिए, आँख के इलाज के लिए, गायनी वाले में हैं, बहुत तरह तरह का हर डिपार्टमेंट का लोग, बताएं ना आपको पूरा हमारा प्रोग्राम चार्ट है, बल्कि यहाँ देख लीजिए। तो सर इस तरह के कार्यक्रम में लोगों का जुटान होने से इसमें पूरा हमारा कार्यक्रम है यहाँ का, आप इसमें समझ सकते हैं कि हर तरह के लोगों ने अपना अपना ये अनुभव साझा किया। इस तरह के कार्यक्रम होने से एक धनबाद के लिए भी फायदेमंद होता है, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, मिलना जुलना भी डॉक्टर चिकित्सकों का था, आपस में साझा भी करता है लोग, और उसमें हम ये किसी तरह से ये नहीं। हमारे साथ गायनी विभाग के डॉक्टर एस के दास है, जो कि नामी गिरामी धनबाद के हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं और स्त्री रोग विशेषज्ञ में अलग अलग बीमारियों पर इलाज भी करते आए हैं और निपुण हैं, इनके हाथ से निपुण हम उनसे भी कुछ जानते हैं। सर आज यहाँ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था सर, और किस प्रकार की आपका अनुभव रहा सर? हाँ, ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, ये खाली जनरल ड्यूटी में डॉक्टर और स्पेशलिस्ट दोनों मिला करके, और मेडिकल ऑफिसर एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर, सुपर स्पेशलिस्ट ऑफिसर, सबको मिला करके कॉन्फ्रेंस है। एक कॉन्फ्रेंस में बहुत नया नया चीज़ हम लोग को बीच में आया है, हार्ट के बारे में, किडनी के बारे में, न्यूरो सर्जरी के बारे में, बहुत अच्छा अच्छा डॉक्टर स्पीकर फ्रॉम दुर्गापुर, फरीदाबाद, बाहर और जगह से, नैनीताल से आए हैं। हम लोग को बहुत कुछ सीखने भी मिला है, क्या ये तो हम लोग को गायनी एग्जैक्टली साइड का कुछ नहीं हुआ, बट दे सेड थिंग्स गायनी कंसर्न, सो ये हम लोग के लिए भी बहुत उपयुक्त हुआ। ये सर मतलब और भी धनबाद की अगर हम बात करें, चाहे और भी जहाँ बाहर से चिकित्सक आते हैं, सब जो ने अपने अनुभव साझा करते हैं, ज़्यादा एक बेहतर मुकाम हासिल होता है ये, और धनबाद के लिए कितना अच्छा होता है ये? धनबाद के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये है जो यहाँ बहुत धनबाद का डॉक्टर्स नहीं थे,
बट स्टिल हम एज ए गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं ये धनबाद के डॉक्टर के लिए बहुत अच्छा है। तो सर मतलब जो IMA के सदस्य हैं केवल वही लोग आमंत्रित थे कि और भी सब सभी थे? मेनली धनबाद का जो IMA का सदस्य है वही लोग आमंत्रित थे, बाकी ये लोग बहुत आदमी को इन्वाइट किया। तो जैसा कि IMA के प्रदेश अध्यक्ष से वार्ता हुई और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SK दास से वार्ता हुई और उन्होंने बताया कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर वो लोग पहल करेंगे और इसको लेकर आगे की रणनीति बनाएंगे। यहाँ पर IMA द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बहुत सारे कंपनी के लोग भी आए हुए हैं जो कि अपने प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता रहे हैं। उसी में से एक यहाँ पर भूटानी ग्रुप के कंपनी से लोग प्रतिनिधि आए हुए हैं, उनसे जानते हैं कि क्या है उनका, क्या लगाए हुए हैं और किस प्रकार के प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया है। आप किस कंपनी से? भूटानी इंफ्रा से मैं हूँ, एज RM मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। आज यहाँ पर जो डॉक्टरों का प्रोग्राम है उसमें आपकी क्या भूमिका है? देखिए एक्चुअली क्या है कि भूटानी इंफ्रा कमर्शियल डेवलपर है, हम लोग सिर्फ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं दिल्ली NCR में। और अभी क्या हुआ है कि डॉक्टर्स के लिए हम लोगों ने कुछ स्पेशल लॉन्च किया, डॉक्टर्स जो कि हम लोगों के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं हमारी मदद करने के लिए, तो हम लोगों ने भी उनके लिए एक स्पेशल ऑफर निकाला है जहाँ पर उनको हम एक अफोर्डेबल रेट में प्रीमियम कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में स्पेस दे रहे हैं। तो उसी को बताने के लिए, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए, इस प्रकार का क्या दे रहे हैं कमर्शियल में हम लोग के साथ मतलब जो खासियत है अपने प्रोजेक्ट की उसमें यह है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है कि आज हम अगर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बन रहा है तो अगर वो 3 साल में बन के तैयार होगा तो 3 साल आपको कुछ भी नहीं मिलता है, वो आपका पैसा वहाँ पड़ा हुआ है। बट हम लोगों ने क्या किया है कि आप अगर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लेते हैं कि आपने 20 लाख इन्वेस्ट किया, अभी 2 साल के बाद प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा तो ये 2 साल तक हर महीने 20 लाख आज आपने इन्वेस्ट किया तो 20,000 रुपये हर महीने आपको अगले 3 साल तक या जब तक कि पोजिशन नहीं मिल रहा है तब तक मिल रहा है। यही नहीं, अब एक डॉक्टर है उनके पास समय नहीं कि वो एक रेंटर ढूंढेंगे फिर रेंटर बदलेंगे, तो हम लोगों ने उसका भी ऑप्शन दिया है कि हम लोग लीज की गारंटी भी दे रहे हैं कि जिस दिन वो बन के तैयार हुआ तब तक तो हम ये भी मतलब आप क्या लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं कि बना बनाया कमर्शियल स्पेस दे रहे हैं, कमर्शियल मॉल में स्पेस दे रहे हैं। मान लेते हैं कि कमर्शियल है और ये पूरा एक स्पेस है तो ये स्पेस हम सेल कर क्लिनिक के लिए, चैम्बर के लिए, क्लिनिक के लिए नहीं, वो कमर्शियल यूज होगा। जैसे मान लेते हैं पेंटालूंस है या बिग बाजार है या रिलायंस मार्ट है, वो अपना जो खोल रहा है तो वो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग उनको लीज दे रहे हैं और परचेस कोई और। जैसे डॉक्टर साहब ने मान लेते हैं डॉक्टर साहब उन्होंने लिया और उसको हमने पेंटालूंस को दिया हुआ है तो दो चीज़ हुई कि एक तो जब तक कि वो बिल्डिंग बन रही है तब तक भी उनको पैसा मिल रहा है 1% पर मंथ के हिसाब से, और जब वो रेडी हो गया तो उसके बाद पेंटालूंस जो रेंट दे रहा है उस वो रेंट भी हम डॉक्टर साहब को दे रहे हैं, तो उसमें उनको भी क्या है कि इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है और वो सारा पेन हम लेकर के एज ए इन्वेस्टर एक फैमिली की तरह हम वो पैसा जो है उनके एवज में हम किराएदार ला करके, बड़े बड़े किराएदार रिलायंस पेंटालून इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो जो रेंट दे रही हैं वो इन्वेस्टर के पास जा रहा है। मतलब डॉक्टर चिकित्सक इन्वेस्ट करेंगे आप उनको जगह मुहैया करवाएंगे, तो उसके लिए कितना भुगतान करना होगा? भुगतान तो बहुत हम लोगों का इन्वेस्टमेंट 10,80,000 से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। कितना स्क्वायर फीट में दे रहे हैं आप? 100 स्क्वायर फीट से लेकर के और फिर 5,000 स्क्वायर फीट तक का स्कोप है अपने पास। कहाँ कहाँ पे आपकी आप प्रोवाइड करा रहे हैं? प्रोवाइड देखिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा जो है, जैसे नोएडा सेक्टर 150 जो कि बहुत ही पॉश एरिया है, सेक्टर 62 जो कि बिल्कुल बसा हुआ मेन एरिया है, वहाँ मेन सड़क पे सेक्टर 62 में है, सेक्टर 133 142 और अपना बहुत सारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर्ड है। और अपना जो भी प्रोजेक्ट है भूटानी इंफ्रा का जो भी प्रोजेक्ट है वो आप जब देखेंगे तो सारा वर्ल्ड क्लास का, उसका जो स्ट्रक्चर है उसका जो लेआउट है वो लगता ही नहीं है कि कोई यहाँ का लोकल कमर्शियल डेवलपर हो, वो बिल्कुल आप उसको देखेंगे तो कभी आपको सिंगापुर लगेगा कि वहाँ की बिल्डिंग है, कभी लगेगा कि लंदन की बिल्डिंग है, तो इस तरह का है। और बहुत सारे अवार्ड्स भूटानी इंफ्रा को अभी तक मिल चुके हैं। मतलब 10 लाख रुपये में आप कितना स्क्वायर फीट दे रहे हैं? 100 स्क्वायर फीट जी। अगर हम बात करें तो झारखंड में कहाँ पर ये जगह प्रोवाइड करवा रहे हैं आप? सर आप अभी आने वाला है स्मार्ट सिटी में हम लोग का प्रोजेक्ट, ठीक है। भूटानी इंफ्रा के बारे में ये बोलेंगे कि दिल्ली NCR में वन ऑफ द थर्ड कंपनी है। हम लोग का मेन रीजन है सर कि हम लोग बड़े किराएदारों को देखते हैं, पेंटालून, जूडियो, वेस्ट साइज मॉल, इन सब से हमारा 30-40 साल का रेंटल एग्रीमेंट रहता है, तो हम उसमें वर्चुअल स्पेस दे दिए। मान लीजिए 10,80,000 में आपको 100 स्क्वायर फीट दे दिए तो आपको किराया इनकम 10,800 रुपया प्रति माह आ रहा है। एक तो ये फिक्स है, प्लस प्राइस का एप्रिसिएशन है। अभी हम लोगों ने डॉक्टर्स के लिए स्कीम निकाला हुआ है, कोई डॉक्टर्स या कोई धनबाद के कोई भी निवासी अगर नोएडा दिल्ली आते हैं
तो उनको हम लोग साइट विजिट और स्टे फ्री कराएंगे, हम अपना मॉल का विजिट कराएंगे। नोएडा में हर प्रीमियम लोकेशन में है, लें अथवा वो ना लें वो कोई शर्त नहीं है, लें देखने के बाद उनको च्वाइस होता है तो हम लोग वन टू वन बात करेंगे। तो ये झारखंड में कहीं नहीं है, झारखंड में स्मार्ट सिटी में हम लोग का आ रहा है। मैं GM सेल्स हूँ, अशोक नगर रांची में मेरा ऑफिस है, मेरा नंबर है 8409683081। कोई भी नाम क्या हुआ? नीरज जैन। तो मतलब अगर किसी को संपर्क करना होगा तो आपसे संपर्क? हाँ बिल्कुल सर। तो अभी जो आप लोग मुहैया करवा रहे हैं दिल्ली के लिए स्पेशल? हाँ अभी स्पेशली हम लोग दिल्ली NCR के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। आज जितने भी चिकित्सक यहाँ आए थे लोगों ने रुचि दिखलाई? काफ़ी रुचि दिखाई इन लोगों ने, पहले से भी, जैसे अभी हम लोग जमशेदपुर IMA में, रांची IMA में, हर जगह हम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। घूम घूम कर हम लोग का काम है डेमोस्ट्रेशन देना, लोगों को इनवाइट करना, लोगों को अटेंड करना। अभी तक कुछ कितने ये बिक्री हुए हैं, जैसा कि आप जगह के बात कर रहे हैं, कितने लोगों ने बुकिंग कराई है? ऐसा है कि देखिए हमारा काम, जो मैंने क्या बोला, मैं GM सेल्स हूँ, मेरा काम है प्रमोशन करना, डॉक्टरों को बीच में अपनी प्रोजेक्ट को रखना। आज कुछ बुकिंग हुई है यहाँ पे या नहीं हुई? नहीं अभी तो मेरा फर्स्ट प्रेजेंटेशन है, फिर हम लोग की 1 जनवरी में प्रेजेंटेशन होने वाली है। तो ये थे भूटानी ग्रुप के महाप्रबंधक, इन्होंने बताया और इनके सदस्य भी हैं, इन्होंने बताया कि ये लोग दिल्ली में स्पेस मुहैया करा रहे हैं, चिकित्सकों के लिए स्पेशल ऑफर भी है, 10 लाख रुपये में सर्टेन स्क्वायर फीट दिया जा रहा है, उसके लिए किरदार भी यही लोग खोजेंगे और जब तक वो उनका पूरा नहीं होता तब तक की सारी व्यवस्था भी वो करेंगे। साथ ही जैसा कि नीरज जैन ने बताया कि चिकित्सकों के लिए फिलहाल जो दिल्ली में व्यवस्था है वो आकर वहाँ सर्वे भी कर सकते हैं, जिसका आने जाने का सारा वेयर भी उठाएंगे और रहने का भी वेयर उठाएंगे, चिकित्सक ले या ना ले। तो जिस तरह से इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया है, ऐसे में कितने चिकित्सक रुचि लेते हैं और कितनी बुकिंग होती है यह देखना होगा। बहरहाल आज के कार्यक्रम में जो IMA द्वारा आयोजित कार्यशाला का आयोजन किया गया था उसमें 200 से अधिक डॉक्टरों ने भाग लिया था और लोगों ने अपने अपने अनुभव साझा किए थे। साथ ही चिकित्सकों ने यह भी बताया कि वो इस बार के कार्यशाला में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट और अपनी सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार से वार्ता किए हैं और उसको लेकर पहल करेंगे, मीटिंग करेंगे और आगे के निर्णय लेने पर रणनीति बनाएंगे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ, कैमरामैन महेश के साथ मिरर मीडिया, धन्यवाद।